कलवा कुर्ती असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश प्रभु राम की पावन धरा से आपके बीच में यहां पर आया हूं। तेलंगाना की धरती को कलवा कुर्ती असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, तेलंगाना श्री कालेश्वरम, श्री सैलम, श्री दक्ष रामम के रूप में त्रैलिंग के आशीर्वाद से अब सिंचित एक पावन धरा है। तेलंगाना आकर आप सभी से इस चुनाव के बहाने ही सही मुझे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां की संस्कृति, यहां के मेहनतकश लोग और उनकी सज्जनता हम लोगों को अंतःकरण से प्रेरित करती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये अफसोस की बात है कि तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने सत्ता सौंपी, वही आज यहां के शोषण के कारण बने हुए हैं। भाइयों बहनों, एक और तेलंगाना में प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है। यहां पर प्रचुर संसाधन है, लेकिन दूसरी ओर आज तेलंगाना राज्य के निवासी अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। यहां पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति ने आज पूरे तेलंगाना को खोखला बना दिया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है एक स्वर्णिम तेलंगाना राज्य के निर्माण के साथ साथ तेलंगाना राज्य के निवासियों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज आपके पास आई है, आपका आह्वान करने के लिए। हम सब जानते हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, वहां पे बालू माफिया, माइनिंग माफिया, पशु माफिया, ऑर्गेनाइज क्राइम का माफिया, ये सभी माफिया हावी होकर के वहां की जनता के हकों पर डकैती डालते थे, उनका शोषण करते थे। नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 6.5 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, उत्तर प्रदेश सुख और शांति से रह रहा है। 6 वर्ष में 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था की, 55,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया। तो भाइयों बहनों, 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था, 1,75,00,000 गरीबों के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस दौरान उज्ज्वला योजना के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए। आज उत्तर प्रदेश में
जाति मत मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पहले दिन कहा है कि देश के संसाधनों पर अधिकार देश के गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, और इसके लिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। ये नया भारत है और नए भारत में भाइयों बहनों ये नया भारत है, नए भारत में देश का सम्मान भी है तो देश की सुरक्षा भी है। आपने देखा होगा आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाकर के तैयार किया था। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय आज ही के दिन मुंबई में आतंकी हमला भी हुआ था, सैकड़ों लोग हताहत हुए थे, आतंकी घुसपैठ कर दिए थे, उन्होंने अनेक स्थानों पर निर्दोष लोगों को मारा था। लेकिन ये नया भारत है, नए भारत में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है, कोई आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती है। कोई आतंकवादी घुसपैठ करता है तो उसको भी उसके आका को मालूम है क्या होगा, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी इस असेंबली में भी हाईवे निर्माण के लिए भारत सरकार ने मोदी जी ने पैसा दिया है, रेलवे की लाइन बिछ रही है, वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, और यही नहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, एम्स आईआईटी आईएम वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज हर घर नल की योजना भी आज साकार रूप ले रही है, देश के अंदर ले रही है। जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर प्रभावी कार्य हो रहा है, लेकिन जहां पे बीआरएस और केसीआर जैसे लोग हैं वे केंद्र से मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को स्वयं खा जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद और आम जन की योजनाओं पे डकैती डालने वालों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बुलडोजर का उपयोग करते हुए प्रभावी कार्रवाई की है, ऐसे ही टी आचार्य को इस कलवा कुर्ती से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार लाई है, डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लाई है, और भाइयों बहनों कलवा कुर्ती से श्री टी आचार्य को असेंबली के लिए भेजिए। भाइयों बहनों, टी आचार्य के नेतृत्व में आज डेवलपमेंट होगा, टी आचार्य के नेतृत्व में कलवा कुर्ती में वेलफेयर की स्कीम बिना भेदभाव के हर गरीब व्यक्ति तक, हर नौजवान तक, हर किसान तक, हर महिला तक पहुंचाने का कार्य इनकी जिम्मेदारी होगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनाने का काम भी इनका होगा इस जिले में, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। एक तरफ योजना का लाभ भी
धन्यवाद।